नाम मेरा आदित्य है और तो पंचायत इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहाँ पर लगभग हजारों से ज्यादा की संख्या में जो भाकपा माले के नेता है और कार्यकर्ता ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो कैमरे से दिखा दीजिए अभी घुमाकर कितनी संख्या है इनकी। लगभग पूरा जाम कर दिया गया है, चाहे बैरिकेडिंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता है। हम इसे जानते हैं क्या इनकी मांग है, क्या इनकी मुद्दा है और बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक से भी फोन किया। सरकार कहती है विकास की तमाम खेत मजदूर है किसान सभा के नेता की मांग यही है 50 साल वो जमीन इनके नाम पे किया जाए जिस जमीन पे बसे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक पर्चा नहीं दिया। भूमिहीन है सरकार 5 डिसमिल जमीन उनको गरीब लोग हैं, उनको सरकार 200 यूनिट बिजली जो है वो इस तरह के तमाम महासचिव हो रही है। केंद्र सरकार ने एक नीति चला दी है और खूब चल रहा है बुलडोजर राज, और सरकार जो है वो एक विध्वंसक चीज को सरकारी सिंबल बनाने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं कि बिहार में भी उसका एक असर आ चुका है, जल जीवन हरियाली के नाम पर अलग अलग जगहों पर गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। कई बार हाईकोर्ट के आदेश का बहाना देकर के घरों को तोड़ा जा रहा है। तो हम लोग का यही कहना है कि जमीन पे अगर हम बसे हुए हैं और सरकार ने पहले से ही कानून बना रखा है कि हम भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, कहीं आवश्यक हो तभी, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा न जाए। और बिहार सरकार के भी सदन के भी अंदर हमने बात की, ये हाईकोर्ट के निर्णय से जो घरों को तोड़ा जा रहा है, एक समय तो सरकार हाईकोर्ट में अपना हाईकोर्ट इस तरह का निर्णय न दे, जो लोग पहले से बसे हुए उनको हटा नहीं सकते मांग है मनरेगा। बिहार के तमाम गरीब जो है खेत मजदूर जो है मनरेगा में जो आज का ही आंकड़ा सामने आज अखबार में आया, कोविड के टाइम से पहले जिस तरह का गिरावट मनरेगा के कारण आज मोदी सरकार की पॉलिसी के चलते वैसे ही गिरावट आ गया है। तो मनरेगा का पैसा आप दे नहीं रहे हैं, उजाड़ते जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपसे कहने के नाम पर विधानसभा में जरूर उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय की स्थिति में हम अभी पहचान नहीं पाए हैं। लड़ाई जारी है मित्रों, लेकिन आपको याद होगा हमारे भी दल महासचिव लेकिन सरकार जो है उसने जमींदारी प्रथा उल्लंघन का जो बनाया बड़ी सवाल है, सरकार के पास तो सारे सवालों का हल लाखों खेतों और खलिहानों से सड़कों से होकर गुजरती है। जमीन और हमें क्या भरोसा है कि आपका जो सारे मांग है कोई जमीन को फायदा लेकर के लेकर के बैठा हुआ नहीं, खलिहानों से तो जो इस धरती पर पैदा हुआ हम जरूर हाथ करेंगे, उसका हवा के ऊपर अधिकार है, हम सरकार में जमीन के ऊपर उसका अधिकार है, यहाँ के पानी के ऊपर उसका अधिकार, सरकार में शामिल है ताकि समझता हो देश के ऊपर जो बुलडोजर राज है, आज जो भाजपा सत्ता में आई है और सत्ता में बैठ कर तमाम काले कानून हमारे खिलाफ बना रही है, हमको उजाड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, हमारी आजादी को, हमारी गंगा जमुना की तहजीब को छीनने के रास्ते की कोशिश कर रही है। और इसलिए हम बसे नहीं हुए हैं भाजपा को खत्म करने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए और कोई सरकारी महागठबंधन में है। हमने सरकार को भी कहा है कि हम जनता के सवाल के साथ खड़े रहेंगे और जनता का सवाल हम उठाते रहेंगे। इससे दिक्कत तो अभी तक हम छीन रहे, इसलिए मैं आपसे संदेश देने के लिए आया हूँ कि हमारी पूरी लड़ाई, हमारी पार्टी की लड़ाई, खेत की लड़ाई आज किसान मजदूरों के साथ है। हम 40 तक पर्चा के साथ
आपके साथ है, आपके साथ कभी भी हम कोई कर्तव्य नहीं कर सकते। आपके अनुरोध के साथ हम खड़े रहेंगे और जहाँ अगर आगे बढ़कर जान देने की जरूरत पड़ेगी वहाँ भी हमारी पूरी पार्टी आप तमाम आंदोलनों के साथ रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप तमाम साथियों को नमस्कार करता हूँ। कामेवर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सदीन को भाजपा वाले के विधायक और चर्चित छात्र नेता कांग्रेस संदीप सौरभ जी यहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे कि आए संदीप सौरभ जी अपनी बातों को रखे। कांग्रेस संदीप सौरभ चलिए, संदीप सौरभ का साफ साफ कहना है कि जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको जो सरकार प्रावधान है कि 5 डिसमिल उनको जमीन दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ आंदोलन में मौजूद उसको लेकर सभी लोग तमाम जो गरीब लोग शामिल हुए हैं इस आंदोलन में। और एक तरफ से देखा जाता है भागीदारी भी है सरकार में, फिर भी उसके बावजूद सरकार के खिलाफ जब भी कोई विकास की बात कहता है वो नहीं सुनी जाएगी, तब तक विकास को रखने वाले इनके जैसे लोग विकास की बुनियाद रखने वाले। चलिए फिलहाल इस बात पर गरीब लोग हैं जिसके कंधे पर ये विकास रखा हुआ है। कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन आज